वासियों से जरा घर से निकलिए, दफ्तर में है तो दफ्तर से थोड़ा जल्दी निकलिए, लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। देखिए अब से महज 2 घंटे बचे हैं, आपके पास जो पावर है उसका प्रयोग जरूर कीजिए। एक एक वोट जो है बेहद अहम है। हमारे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं, उसके बाद हम यहाँ पर जो हॉट सीट्स हैं उसको लेकर वोटिंग की रफ्तार भी हम आपको बता देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और इस वक्त प्रदेश की हॉट सीट तिजारा पर वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज। तिजारा में अब तक 70% मतदान हो चुका है, 70% के आंकड़े को पार कर लिया है मतदान ने तिजारा में। बात अगर पोकरण की जाए तो 67.51% मतदान हो चुका है। तो पोकरण और तिजारा ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर मतदाताओं की जागरूकता ने राजस्थान को प्रेरित किया है, जहां के मतदाताओं की सक्रियता ने सभी को एक कड़ा संदेश दिया है। बिल्कुल कड़ा संदेश दिया है और एक ये महत्वपूर्ण संदेश भी आज के दिन जो है बहुत अच्छा मैसेज यहां से जा रहा है कि सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत इन्होंने इस सामने पेश किया है। आगे बढ़ रहे डीग और कुम्हेर की बात की जाए तो यहां पर 53% मतदान अभी तक हुए हैं। नागौर में भी 53% है और खिवसर में भी 53% जो है वोटिंग प्रतिशत सामने आई है। बाड़े की बात की जाए 65.65% यहां पर मतदान हुआ है। शिव में 61% हुए हैं। टोंक की बात की जाए 56.83% मतदान यहां से हुआ है। बिल्कुल अंकुर, और टोंक और शिव ये काफी हॉट सीटें हैं। हॉट सीटों पर इतना मतदान होना यानी कि यहां पर जो निर्दलियों ने गेम बिगाड़ा है, गणित बिगाड़ा है, उसमें इन मतदाताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। बात करें आदर्श नगर की तो 51.52% मतदान है। सवाईमाधोपुर में 53% मतदान हुआ है। चूरू में 50% मतदान अब तक हुआ है और तारानगर में 63% मतदान हुआ है। तमाम हॉट सीट का ब्यौरा हमने आपके सामने रख दिया है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, सबसे ज्यादा मतदान जो है अभी तिजारा से सामने आ रहे हैं, लगभग 70% तक वहां पर पहुंच चुके, एक अच्छा मैसेज हॉट सीट पर ये देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर जिलों की बात की जाए, बाकी सीटों की बात की जाए, किस तरीके से अभी परसेंटेज बढ़ रहे हैं वहां पर? देखिए, वोटिंग की रफ्तार बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश की कुछ हॉट सीट पर वोटिंग की रफ्तार कही जा सकती है, जिनमें अगर बात की जाए तिजारा में 70%, पोकरण में 67% और तारानगर में 63%, ये इन सीटों के मिजाज को भी बता रही है कि यहाँ पर कितनी नजदीकी टक्कर है और ये इस बात को भी दिखा रही है कि वोटर्स में किस तरीके का रुझान है। जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं वो जीत के लिए कितने लालायित हैं, कितने मुस्तैद दिख रहे हैं कि एक एक वोटर को घर से लाकर वोट कराने की तैयारी कर रखी है और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि तिजारा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनका एक बयान भी आया था, फिर बाद में उन्होंने सफाई दी थी कि उन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए ज्यादा वोट डलवाने की अपील की थी। अलबत्ता अगर जितने संख्या में वोट हैं किसी बूथ पर उससे ज्यादा डलेंगे तो वहां पोलिंग दोबारा से होनी है, इसमें कोई दूसरा सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वोटिंग की रफ्तार इन सीटों के मिजाज को दिखा रही है और नजदीकी मुकाबला दिखा रही है और ये बताने की कोशिश है इस रफ्तार के जरिए कि चुनाव आसान किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। अगर कांग्रेस 156 का दावा कर रही है और अपने कंफर्ट जोन दिखा रही है कि वो 156 आ रही है तो वो गलतफहमी में है, और बीजेपी अगर ये कह रही है कि वो 140 प्लस आ रही है तो वो गलतफहमी में हो। लेकिन शशि मोहन, अभी तक के अगर मैं 2003, 2008, 2013, 2018 और 1998 तक का अगर मैं जिक्र करूं तो आपने देखा होगा कि जब भी मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले 1% से ज्यादा बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है, बीजेपी की सरकार बनती है। लेकिन जब मतदान प्रतिशत पिछले चुनावों से 3% से ज्यादा कम होने लगता है तो कांग्रेस की सरकार बनती है और कांग्रेस को फायदा होता है। अगर इस गणित के अनुसार पिछले 5 चुनावों के इतिहास के अनुसार मैं अभी मतदान प्रतिशत देखूं जो बहुत सी जगहों पर बहुत अच्छा जा रहा है और 3 बजे के लिहाज से ये बहुत अच्छा परसेंटेज है, आपको क्या लगता है ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या इतिहास दोहराएगा या फिर राज बदलेगा? ये राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, यही सवाल फिर बरकरार है। देखिए, आज की राजनीति कल का इतिहास होती है और अगर इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराएगा तो वो एक ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो एक साइंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए लगता नहीं है कि हर बार इतिहास दोहराया जाए। हाँ, आमतौर पर कोशिश इसी तरह की होती है, आमतौर पर नतीजे इसी तरह के आते हैं, क्योंकि जो परंपरागत वोटर है वो कौन सा वोटर किस पार्टी के साथ बंधा हुआ है, वो किस तरीके से कतारबद्ध होके या किस तरीके से एकजुट होकर के या किस तरीके से एक समय पर वोटिंग करता है, वो वोटिंग के लिए कितना कठिन
परिश्रम कर सकता है, कितनी तपस्या कर सकता है या कितनी परीक्षा दे सकता है। मसलन जब गर्मियों में चुनाव है तो धूप में खड़े रहकर के कितनी देर दे सकते हैं, जब सर्दी में चुनाव है तो सुबह जल्दी और देर शाम तक कौन वोटर डटा रह सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर ये बातें निर्भर करती है। हालांकि शशि मोहन, इन सब पॉजिटिव बातों के बीच में कहीं कहीं से खबरें ये भी सामने आ रही है कि बहुत सारे ग्रामीण हजारों की संख्या में मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। मतदान यानी कि हमारा अधिकार, और जब भी इतिहास में ये बात लिखी जाएगी कि आपने मतदान का बहिष्कार किया तो उसे विरोध करना नहीं बल्कि अपने अधिकारों की लड़ाई में अपने हथियारों को त्याग देना, अपने हथियार डाल देना जैसा कहा जाएगा। तो क्या ये जो खबरें आ रही हैं ये काफी प्रभावित कर सकती हैं कि कौन सत्ता में आएगा कौन सत्ता में नहीं आएगा, और क्या ये तरीका ठीक है, इस तरीके पर आप क्या कहेंगे, ये वाकई अधिकारों की लड़ाई में अपने हथियार डाल देने जैसा नहीं है? देखिए, तरीका ठीक है या नहीं इसके जज हम नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि किसी भी व्यक्ति का अपने अधिकार को इस्तेमाल करना और नहीं करना उसका विवेकाधिकार है, और ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस नजरिए से अपने अधिकार की ताकत को दिखाना चाहता है। कई बार अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना भी एक ताकत होती है। और शशि मोहन, यहां मैं शायद आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगा क्योंकि नोटा का बटन भी है और साथ ही साथ फिर बाद में हमें शिकायत करने का मौका नहीं मिलता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने मतदान नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन आपका इस